आज हम सीख रहे हैं जरा एक फंक्शन जिसका नाम है गोल सीक। गोल सीक, गोल मीन मकसद, सीक मीन हासिल करना या उसकी तलाश करना। गोल सीक फंक्शन हमें किस तरह से यूज कर सकते हैं, उससे किस तरह से हम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक सेल्फ प्रोग्रेस है जो आपके सामने मौजूद है, जिसका लिखा है हाफ ईयर सेल्फ प्रोग्रेस। हाफ ईयर सेल्फ प्रोग्रेस मतलब ये 6 महीने की यानी कि 6 मंथ की मुख्तलिफ आइटम की सेल्फ प्रोग्रेस है, जिसको आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों में मतलब देख सकते हैं। मतलब अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर की 6 महीनों में क्या सेल है, तो हम इसका ऑटो सम करके एक टोटल ले लेंगे। देखिए, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, और सिलेक्शन के बाद यहाँ से कह रहा हूँ ऑटो सम या ऑल्टर इक्वल। तो ये दोनों साइड का टोटल मेरे पास आ गया और अब मैं इस टोटल को क्लियरली देख सकता हूँ। तो ये मेरे पास दोनों कह सकते हैं आप इजिली के हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 6 मंथ्स की आइटम की प्रोग्रेस है। मतलब अगर आप इस बात को यूँ समझना चाहें कि मैं इसको जरा कलर्स में भी दे देता हूँ, कि ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया सेल स्टाइल्स, सपोज इनको इनपुट मेथड है या चेक है, कैलकुलेशंस को सेट कर दिया, देन इनको भी यहाँ से कैलकुलेशंस पर सेट कर दिया फॉर्मेट। और अब आप इजीली इसको देख सकते हैं कि ये आपके सामने इसका प्रेजेंट हो रहा है, कि अगर आप कंप्यूटर की 6 मंथ की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो इसकी टोटल सेल ये है जो कि है 4,265। और अगर आप सिर्फ जनवरी के महीने की सेल देखना चाहते हैं तो वो आपके यहाँ नजर आ रही है जो कि है 700, 629। मतलब ये तमाम आइटम जनवरी के महीने में क्या क्या सेल हुई ये से पता चल रहा है, और कंप्यूटर सिर्फ 6 महीनों में कितना सेल हुआ वो हमें यहाँ पर पता चल रहा है। गोल सीक का ऑप्शन हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है? देखिए, गोल सीक का ऑप्शन हमें यहाँ पे ऐसे हेल्प कर सकता है। लेट सपोज हमें अगर अपना कोई टारगेट अचीव करना हो, टारगेट अचीव करने से क्या मतलब है कि यहाँ पर वैल्यू आ रही है 4,265, जबकि टारगेट था 5,000 का। मतलब यहाँ पर अब कितने पॉइंट्स कम है, यानी कि 800 पॉइंट्स लगभग कम है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो 3,559 और टारगेट था 4,000 का, तो यहाँ पे 500 नंबर्स कम है वैल्यूज। और यहाँ अगर आप देखें 435, 3,350, तो यहाँ पर तकरीबन 7,650 की वैल्यूज कम है, अगर 5,000 का टारगेट है। तो गोल सीक आपको आपका टारगेट अचीव करने में हेल्प करेगा। अब वो किस तरह से करेगा? अगर हम 6 मंथ में देखें तो कुछ वैल्यूज तो बहुत हायर है और कुछ वैल्यूज लोअर है। ये काफी लोअर है, ये काफी हायर है, ये वैल्यू काफी हायर है। तो अब इसी हवाले से हम ये करते हैं, सपोज टू बी हम यहाँ क्लिक करते हैं और एक हमारा टारगेट अचीव करते हैं। लेट्स सपोज अप्रैल के महीने में 446 था, जबकि अप्रैल का टारगेट जो था वो 700 का था। तो अब यहां पर किस तरह से 700 हम अचीव करें, या यहां पर अपना टारगेट किस तरह से अचीव करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ क्लिक किया और यहां से हम गए, देखिए होम में मौजूद हूं मैं, और यहां से मैं डेटा में गया। डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस में आया और यहां से मैंने एक फंक्शन को एग्जीक्यूट किया जिसका नाम था गोल सीक। गोल सीक पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, तो गोल सीक पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आ रहा है सेट सेल टू वैल्यू बाय चेंजिंग सेल, तीन आर्गुमेंट आपसे ये फंक्शन पूछ रहा है। सेट सेल का मतलब ये है कि आप किस सेल की वैल्यू को बढ़ाना या कम करना चाहते हैं। लेट सपोज ये सेल मेरा ये वाला है, पर जहन में रहे कि जिस सेल की भी आप सेट करेंगे उस सेल पर पहले फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड होना चाहिए, चाहे वो ऑटो सम से हो या आप कोई और फंक्शन यूज कर रहे हैं। अगर उस पर फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड नहीं है तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। मतलब क्या है कहने का, जैसे मैंने यहाँ पे इसका ऑटो सम लिया, मतलब इन सब का ऑटो सम यहाँ लिया और इन सब का ऑटो सम यहाँ लिया, इस तरह का मतलब उसके ऊपर फॉर्मूला इंप्लीमेंटेड होना चाहिए। मतलब ये अभी सेल फॉर्मूला के अंदर मौजूद है। इसी तरह अगर आप बाय टू वैल्यू, अब आपकी टारगेट वैल्यू क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे 5,000 अचीव करना है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 5,000। ओके, नंबर थ्री, बाय चेंजिंग वैल्यू, अब किस सेल की वैल्यू को कम ज्यादा करना है। देखिए ना, अगर मैं यहाँ वैल्यू बढ़ाऊंगा तो यहाँ इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि इसका फॉर्मूला अप्लाइड है। तो मैं यहाँ कह देता हूं कि इस सेल की वैल्यू को बढ़ा दो। अब कितना बढ़ा दो, इसकी वैल्यू को उतना बढ़ाओ कि ये जो वैल्यू है 5,000 हो जाए। अब ये एक हमारे लिए सोचने के लिए कैलकुलेशन करने की बात थी, बट ये काम की हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दे दिया और एक्सेल खुद उस सेल को उतना रेज करेगा जब तक कि ये 5,000 नहीं हो जाता। जैसे आप ओके करेंगे तो आप देखें आपकी वैल्यू क्या हो गई और इस सेल में कितनी वैल्यूज आ गई। अगर आप ओके करेंगे तो ये वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी, और अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये रिजेक्ट हो जाएगी। इसी तरह से
अब यहां पे टारगेट जो है आपका 3944 था, आपको माइनस में जाना है। तो सपोज आप इधर क्लिक करेंगे और कहेंगे गोल सीक, मेरा टारगेट है 3500, और बाय चेंजिंग सेल किस सेल की वैल्यू को कम ज्यादा करना है। देखिए पूरी रो का इफेक्ट यहां पड़ रहा है, तो हम कहते हैं आप इस सेल की वैल्यू को कम कर लो। ओके क्या, तो जितने यहां पे यूनिट्स कम हुए हैं उतनी वैल्यू यहां पर कम हो गई और ये आपका टारगेट अचीव हो गया। इसी तरह से अगर इस टारगेट को मुझे अचीव करना है तो मैं यहां क्लिक करूंगा और यहां से कहूंगा गोल सीक, कहां तक का टारगेट है मेरा, सपोज 5000 का मेरा टारगेट है। अब 5000 का टारगेट मैं यकीन इंसान के तौर पर एक साथ नहीं अचीव करना चाहता, मैं थोड़ा थोड़ा 2 महीनों में अचीव करना चाह रहा हूं, हो सकता है 2 जगहों पे मैं ये काम करना चाह रहा हूं। तो सपोज मैंने कहा मेरा पहला टारगेट है 4800 का, और वो आप जो है बाय चेंजिंग वैल्यू सेल में मैंने कहा इस सेल को रेस करें, जैसे मैंने ओके किया तो गोल सीक के फंक्शन ने इस वैल्यू को उतना रेस कर दिया जितना कि यहाँ पे जरूरत थी 4800 होने पर। और इसी तरह से सेकेंडरी मैंने दोबारा इसके ऊपर गोल सीक अप्लाई कर दिया और अब टारगेट बताया 5000 का, और यहां पर मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो जैसे ओके किया तो अब आप यहां देखेंगे कि आपका 5000 हो चुका है और इस सेल की वैल्यू पहले से इंक्रीज हो चुकी है। तो गोल सीक का फंक्शन आपको टारगेट अचीव करने में, किसी वैल्यू तक पहुंचने में हेल्प करता है, बशर्त है कि वो फॉर्मूला इंक्रीमेंटेड वैल्यूज होनी चाहिए, और ये उसको उतना बढ़ा भी सकता है और माइनस भी कर सकता है।